हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज इन दिस क्विक रिविजन लेक्चर हम कांग्रेस सेशंस को देखेंगे ठीक है जो भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस हुए थे उसमें प्रेसिडेंट कौन था और क्या इंपॉर्टेंट आउटकम था वो हमने डिस्कस करना है ओके okay, 1885 से लेकर के 1946 के पीरियड में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर कवर होंगे सो इन द नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स यू आर गोइंग टू रिवाइज अराउंड सिक्सटी ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके तो वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो फाउंडेशन कांग्रेस की दोस्तों आप सब जानते हो बॉम्बे में हुई थी एटीन एटी फाइव दिसंबर के अंदर एओ ह्यूम प्लेड अज रोल हु वॉज वन ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बेसिकली एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है इसे शुरू किया गया था कांग्रेस से कांग्रेस का एफर्ट ये था कि हर रीजन तक पहुंचा जाए पूरे इंडिया को कवर किया जाए और इसीलिए कांग्रेस सेशंस को अलग अलग जगह पर हर साल रखा जाता था एंड टू यू नो प्रमोट द डाइवर्सिटी और एनकरेज यूनिटी ये भी डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट जो होगा जिस रीजन में सेशन हो रहा है उससे किसी अलग रीजन का अगर पंजाब में हो रहा है तो कोई मद्रास का बंदा उस कांग्रेस सेशन को लीड करेगा प्रे, प्रेसाइड करेगा ओके ये डिसाइड किया गया अब इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हम देखेंगे तो सबसे पहला आ, सेशन हुआ बॉम्बे में 1885 के अंदर प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बेसिकली फॉर्मेशन हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इसके अंदर आप यह भी याद रखेंगे कि इट वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी डेलीगेट्स ओके थिंक फॉर इट थिंक फॉर इट फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए इसको सोचो जस्ट ठीक है एक मिनट के लिए इसको सोचो दिमाग के अंदर मोमेंट एंड तब तक अगर आप कमेंट में लिखना चाहो वहाँ पर भी आप लिख दो कि कितने थे ओके okay. रिकॉल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो ये देखना है कि क्या आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं तो इस पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन के अंदर दोस्तों सेवेंटी टू डेलीगेट डेलीगेट्स थे ओके सेशन हुआ था 1886 के अंदर कलकत्ता के अंदर और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नवरोजी दादा भाई नवरोजी और इस सेशन की एक और खास बात क्या थी कि इस सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का मर्जर हो गया था जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मर्जर हो गया था दे बिकेम वन नो थर्ड सेशन की अगर हम बात करें मद्रास के अंदर हुआ 1887 में प्रेसिडेंट थे सईद बदरुद्दीन त्याब जी और इस सेशन की खास बात क्या थी कि इस सेशन के अंदर जो बदरुद्दीन त्याब जी थे ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट क्योंकि कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लग रहे थे कि दिस पर्टिकुलर आ, पार्टी इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज से एक मुस्लिम प्रेजिडेंट कांग्रेस में session, बुलाया गया था कि जो भी इंडियन है इेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मुस्लिम जो है वो भी नेशनल लीडर्स को इसमें ज्वाइन करें फोर्थ सेशन हुआ अलाहाबाद में ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट पहले इंग्लिश जो हैं वो ये बने। देन, नेक्स्ट इज़ 1896 1896 और 1896 की खास बात ये थी कि इसके अंदर कलकत्ता में जो ये सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला से पहली बार कांग्रेस के किसी सेशन में जो नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज संग बाय रबेंद्र नाथ टेगोर 1896 के सेशन में ये इसकी खास बात है जो आपने ध्यान में रखनी है 1899 में सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर प्रेसिडेंट थे आरसी दत्त रोमेश चंद्रा दत्त एंड इन्होंने परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की डिमांड रखी इस पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन ने ओके नेक्स्ट इज यन हंड्रेड एंड वन बट दिस सेशन बेसिकली इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंस क्या थी कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर हुए थे फर्स्ट टाइम नाइनटीन हंड्रेड वन के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर सिर्फ ये थिंग स्पेशल थी तो अगर वो क्वेश्चन पूछे

और यहां पर स्वराज जो है वर्ड स्वराज को पहली बार एक तो मेंशन हुआ सेल्फ गवर्नमेंट विच मीन्स तो पहली बार कांग्रेस ने इस वर्ड को मेंशन किया ऑन टोटल चार रेजोल्यूशन थे एक तो स्वराज का दूसरा बॉयकॉट मूवमेंट तीसरा स्वदेशी एंड चौथा नेशनल एजुकेशन तो ये चारों एलिमेंट इसके अंदर थे ये चार जो आपके रेजोल्यूशन हैं ये अडॉप्ट किए गए थे अगेन इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पेपर में वो पूछ सकता है 1907 के अंदर सूरत में आपका सेशन हुआ था और सूरत सेशन सूरत सेशन इज़ फॉर द स्प्लिट जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था राजबिहारी बोस उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एंड पुलिस आ गई थी सेशन के अंदर तो एक्सट्रीमिस्ट को गिरफ्तार करके ले गई थी है ना तो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा ओके उसके बाद Uh, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन है जो यहाँ पर शायद लिखा नहीं हुआ दैट इज रिलेटेड टू नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन वो आप यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ का जो सेशन था वो भी इम्पोर्टेंट है 1909 के सेशन में uh, जो uh, आपके प्रेजिडेंट नेम वॉज मदन मोहन मालविया मैं सिर्फ हाफ नेम लिख रहा हूँ आप याद रख लेंगे 1909 में मदन मोहन मालविया वॉज द प्रेजिडेंट और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कांग्रेस ने डिसअप्रूव किया था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स को डिसअप्रूव किसको किया एम एम रिफॉर्म में लिख रहा हूं ठीक है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स को डिसअप्रूव उन्होंने कर दिया था नेक्स्ट सेशन हुआ आपका नाइनटीन हंड्रेड टेन के अंदर इसके अंदर प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडरबन और इस प्रेज इसमें खास बात क्या थी इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था जिन्ना जो उस समय कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विद्रोह किया था उसके खिलाफ थे वो ठीक है अभी तो जिन्ना पाकिस्तान और मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की तरफ थोड़े टाइम है उनको जाने में उन्नीस में सेशन हुआ आपके कैलकाटा के अंदर प्रेसिडेंट थे बी एन धार और इस सेशन के अंदर पहली बार गण मन को रिसाइट किया गया था ठीक है 1911 के सेशन में जिसमें बी एन धार ऑल्सो बिशन नारायण धर ये प्रेसिडेंट थे और पहली बार गण मन किसी कांग्रेस सेशन के अंदर रिसाइट किया गया ओके okay. ऑल उसके बाद एक सेशन यहां पर और इम्पॉर्टेंट है जो शायद यहां पर मेंशन नहीं है दैट इज द सेशन ऑफ 1914 हंड्रेड एंड नहीं 1914 हंड्रेड के में कुछ था नहीं ऐसा भूपेंद्र नाथ बासु उसके प्रेसिडेंट थे छोड़ दो उसको उन्नीस सौ पंद्रह वाले देखो सर एसपी सिन्हा ही वॉज द प्रेजिडेंट सर एस पी सिन्हा से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ही इज रिलेटेड टू समर्ट अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि सर एस पी सिन्हा से रिलेटेड क्या ऐसी चीज है एक होता है ना फर्स्ट प्रेजिडेंट फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट फर्स्ट ऐसे तो ये क्या फर्स्ट थे वो कमेंट में बताना जरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस ऑल्टर किया गया और एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को कांग्रेस के अंदर दोबारा शामिल कर लिया गया एक तरीके से री यूनियन हो गया कांग्रेस का 1916 का सेशन इंपॉर्टेंट है हमने रिवाइज भी किया था क्योंकि रिवीजन के अंदर प्रेसिडेंट थे एसी सी मजुमदार ओके तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का ऑफिशियल यूनियन एंड लखनऊ पैक्ट साइन किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसके अंदर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया

तो एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की 1918 के अंदर एक स्पेशल सेशन हुआ बॉम्बे में जिसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम और इस सेशन के अंदर बेसिकली मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो स्कीम है उससे रिलेटेड डिस्कशन के लिए यह पर्टिकुलर सेशन कन्वीन किया गया था 1919 में सेशन हुआ था अमृतसर के अंदर प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को अपना सपोर्ट दिया 1920 में फिर एक स्पेशल सेशन हुआ कैलकटा लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंटशिप के अंदर और इसमें महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉरपोरेशन रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया Finally, 1920 में दूसरा जो हर साल वाला सेशन होता है जो पहले कांग्रेस तो तो की अब उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे और इस सेशन की खास बात क्या है एम ए जिन्ना को इंडियन इंडिया नेशनल कांग्रेस को जिन्ना ने छोड़ दिया साथ ही साथ ऑफिशियली जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया लॉन्च ऑफ एनसीएम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी, आपके 1922 के अंदर, थे सी आर दास और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की विद लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू 1924 के अंदर जो सेशन हुआ वो था बेलगांव में कर्नाटका और आपके गांधी जी जो है फादर ऑफ द नेशन ही बिकेम द प्रेजिडेंट और ये एक लौता सेशन है कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इसके अलावा किसी और सेशन में एम के गांधी ने प्रेसिडेंटशिप नहीं की 1925 में कानपुर के अंदर सेशन हुआ प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू पहली महिला हिंदुस्तानी महिला प्रेसिडेंट पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट उन्नीस पहली हिंदुस्तानी महिला प्रेजिडेंट आपकी सरोजनी नायडू उसके बाद 1917 1927 का जो सेशन हुआ का जो सेशन हुआ मी अ सेकंड हाँ 1927 का सेशन हुआ मद्रास में प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो इंडियन ट्रूप्स को जो चाइना ईरान और मेसोपोटामिया में यूज किया जा रहा था उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का रेजोल्यूशन पास किया ठीक है और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया 1927 के सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड ओके इस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को द इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन भी बोला जाता है 1928 के अंदर कैलकटा के अंदर सेशन हुआ प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो की गई एंड इस सेशन की खास बात ये भी थी कि ये सेशन के अंदर अब जो यंग एलिमेंट्स हैं like लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दे विल स्टार्ट कमिंग टू द फोर 1929 में लाहौर में सेशन हुआ काफी इंपॉर्टेंट सेशन है प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस ठीक है डोमिनियन स्टेटस स्टेटस से अपने को नहीं चलेगा पूर्ण स्वराज अपने को चाहिए ठीक है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का इसमें डिसाइड हुआ 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा इट वाज आल्सो डिसाइडेड फिर आ जाता है आपका 1931 का सेशन जिसके अंदर प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल इस सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुए काफी इंपॉर्टेंट है काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है गांधी इरविन पैक्ट पैक्ट जिसके अंदर कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी वो पैक्ट को यहाँ पर अप्रूवल मिला और गांधी जी को इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर नॉमिनेट किया गया टू बी द टू रिप, रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जो सेशन हुआ Just give me a एक सेशन भी आप के लिए इम्पोर्टेंट है 1932. सेशन हुआ था ये, में, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे हिज नेम वाज अमृत सेठ और इस सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे पहली बार कांग्रेस में इस तरह की डिमांड आई टू एडॉप्ट सोशलिज्म गोल एडॉप्ट सोशलिज्म प्रेसिडेंट ने क्या कांग्रेस को अपील किया कि कांग्रेस सोशलिज्म को अपना गोल जो है वो डिक्लेयर कर दे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था ओके ऐसा कुछ हुआ नहीं था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बस नेक्स्ट आ जाता है आपका 1934 का सेशन जो बॉम्बे के अंदर हुआ प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक चीज हुई वो ये थी कि कांग्रेस uh, के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स यहां पर किए गए 1936 सेशन जो जवाहरलाल नेहरू की प्रेजिडेंटशिप के अंदर हुआ लखनऊ में और सोशलिस्ट आइडियाज को यहां पर एक पुश दिया जाना शुरू करा हो, होने लगा 1937 सेशन अगेन यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू बने और फैजपुर में ये सेशन हुआ ये पहला सेशन था कांग्रेस का जो एक विलेज के अंदर हुआ जो एक गांव के अंदर हुआ पहला सेशन था विच टुक प्लेस इन विलेज तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है 1938 का सेशन हरिपुरा प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और इस पर्टिकुलर सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई जो जवाहरलाल नेहरू की के अंदर सेट की गई 1939 में, सेशन हुआ, त्रिपुरी में थे, राज, अलग होकर अपना इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ चले जाएंगे आई एन ए की तरफ चले जाएंगे सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्ट किया गया था बट उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि गांधी जी उनको पसंद नहीं करते थे सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से अब सहमत नहीं थे एंड अल्टीमेटली कंफ्लिक था इस वजह से तो गांधी जी का मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया उसको और राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह अपॉइंट किया गया सुभाष चंद्र बोस ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक वो फॉर्म किया 1940 में रामगढ़ में सेशन हुआ अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे और सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की जाएगी दोबारा ये रेजोल्यूशन यहाँ पर अडॉप्ट किया गया ठीक है अब 1941 से लेकर के 19 जो आपका पीरियड है 1945 तक का यह बड़ा उथल पुथल वाला टाइम था वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया फिर आर आई एन म्यूटी आ गया आई एन ए ट्रायल्स आ गए ठीक है क्रिप्स मिशन आ रहा था कभी वेवल प्लान कभी कैबिनेट मिशन और इसी वजह से इन सालों में 1941 से लेकर के 95 तक 45 तक कोई कांग्रेस सेशन जो है वो नहीं हुआ उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेशन हुआ 1946 के अंदर वो हुआ मेरठ में प्रेसिडेंट थे बी कृपलानी और इस पर्टिकुलर सेशन सेशन में ये बेसिकली लास्ट सेशन था हिंदुस्तान की आजादी से पहले तो आप कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय पर प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे जेबी कृपलानी थे ठीक है जेबी कृपलानी ओके सो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ये सवाल कई बार वो पूछ लेता है कि कौन प्रेजिडेंट थे ओके सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन गाइस और काफ़ी सारे सवाल इसमें से आपके निकलते हैं एक आधा सवाल भी अगर आपका निकल गया और ढाई नंबर बन गए तो हम समझेंगे कि ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो फुलफिल हुआ ओके चलिए सो सी यू गाइस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय